वेलकम बैक दिस ज मी सुखप्रीत और इस वीडियो में देखेंगे मेकअप किट कैसे बनाए बजट प्राइस में अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप किट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट जो आपको बजट प्राइस में इजी अवेलेबल मिल जाएंगे नायका फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के ऊपर ना अगर आपकी आने वाले दिनों में शादी होने वाली है आप होने वाली दुल्हन हो या आप मेकअप करना सीख रही हो या घर से ही आप अपना पार्लर चला रहे हो तो बजट प्राइस में बेस्ट कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स आप अपने पास रख सकते हो जिसके साथ आप यू नो अगर पार्लर चला रहे हो घर से तो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आप उनका भी मेकअप कर सको या अगर आप खुद से मेकअप करना सीखना चाहते हो तो आप इन प्रोडक्ट्स को खुद पे भी ट्राई कर सकते हो एंड ब्राइडल के लिए भी ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर गुड जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बजट प्राइस में मेकअप किट कैसे बनाए अंडर रुपीज में लेट्स गेट स्टार्टेड और ये काफी दिनों से पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही थी कि दी एक मेकअप किट बनाना बताएं जो बजट प्राइस में हो आई so, होप कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि वीडियो आने वाले दिनों की वीडियोस भी आप देख सको और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना लगे तो कमेंट करके जरूर जाना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो मेकअप की शुरुआत होती है प्राइमर से और प्राइमर में अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप Maybelline का स्मूथ प्राइमर कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन फिटमी का पोरलेस प्राइमर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इसके अलावा अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टाइप की है या ऑयली है तो वहां पे आप लाइक मैं आप का ये ब्लो परफेक्ट प्राइमर भी चेकआउट कर सकते हो फिल करने के लिए आप स्वीक का ब्राउ पेंसिल चेकआउट कर सकते हो इसका कंसिस्टेंसी क्रीमी है सिक्सटी में आपको नायका के ऊपर इजिली

कवरेज अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड इज स्विस ब्यूटी एच डी रेडी फाउंडेशन या स्नैपशॉट रेडी अल्ट्रा कवरेज एच डी फाउंडेशन अगर आपकी ड्राई स्किन है देन कंसीलर में पैक कॉस्मैटिक का टेक द कवर कंसीलर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड में ये आपको फुल कवरेज मेकअप जैसा लुक देगा एंड लेट मी जस्ट शो यू द वॉच हेयर एज वेल ताकि आपको एक थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए क्लासिक बेज शेड कैसा दिखता है आप यहाँ पे ज्यादा नोटिस भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ये एक्जैक्टली मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग शेड है अनदर ऑप्शन बजट प्राइज में कंसीलर में है मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर जिसमें अगेन जीरो सिक्स जो शेड है ये मेरी स्किन टोन के लिए अच्छा रहता है अगर मैं इसको

टू हंड्रेड में बहुत ही बढ़िया है।, है, so है, है लेकिन काम करता है मैंने मेकअप टूटोरियल एक शेयर करा था बीबी क्रीम के साथ कैसे करें आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो क्या बढ़िया कमाल की कवरेज है है रेडनेस के दाग है अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करने के लिए हम कलर करेक्शन करते हैं और कलर करेक्शन में बजट प्राइस में स्विस ब्यूटी का आप ये अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट चेक कर सकते हो जो कि आपको अंडर फाइव में मिल जाएगा ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर भी है ये मीशो के ऊपर भी है ये वाला खास करके मैंने मीशो से ही मंगाया था इसमें आपको कंसीलर शेड भी मिलते हैं कॉन्टोरिंग शेड भी मिलते हैं और इसमें एक कलर करेक्टर शेड भी है अगर आपके चेहरे के ऊपर रेडनेस का इशू ज्यादा रहता है तो इस सेम पैलेट में जो जीरो आता है वो वाला पैलेट चेक कर सकते हो उसमें आपको ग्रीन कलर के कलर करेक्टर भी मिल जाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइटिंग पैलेट जिसमें मेरे पास

बजट आई शेडो पैलेट कौन से हैं जो आप कर सकते हो तो पहला ऑप्शन आपको सजेस्ट करना स्विस का ये ट्रॉपिक पैलेट पैलेट इसमें और दो ऑप्शंस अवेलेबल है palette में आपको मिरर नहीं मिलता है लेकिन ये पिगमेंट अच्छा रुपीज थ्री हंड्रेड में बॉम्ब प्रोडक्ट दिस इज अब फैंटेसी फिफ्टीन कलर आई शेडो पैलेट जिसमें मेरे पास ये जो शेड है ये है जीरो थ्री एंड इसमें बहुत ही प्यारे शेड हैं अगेन यू कैन सी यू विल गेट ब्लैक डीप ब्राउन और आपको यू नो शिमरी शेड भी मिल जाते हैं मुझे एक्चुअली में इसका ये जो शिमरी शेड है ना ये कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन इसके मैट शेड बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही बढ़िया हैं कोई भी शेड आप बोलो मैं आपको स्वॉच करके दिखाऊं दे विल नॉट डिसअपॉइंट मैंने ऑलरेडी uh, काफ़ी सारे लुक्स किए हुए हैं इस पैलेट के साथ और मेरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो नई दुल्हन शादी के बाद मेकअप कैसे करे उसके हिसाब से मैंने कुछ लुक्स बनाए हैं इस पैलेट के साथ तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो तो बजट प्राइस में आप नायका का ब्लैक मैजिक काजल पेंसिल चेकआउट कर सकते हो वन सेवेंटी रुपीज का है ये अभी रिसेंटली मैंने अपने बर्थडे मंथ के गिव अवे किए थे तो उसमें मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स को गिव अवे में ये वाला काजल सेंड करा है सो so गर्ल्स जब आपको ये काजल पेंसिल रिसीव होगा इसको ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना की आपको ये काजल पेंसिल कैसी लगी बिकॉज आपका ओपिनियन क्या है दैट ऑल्सो मैटर एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि जितना काजल ये मुझे पसंद है क्या आपको भी पसंद आ रहा है सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपका क्या ओपिनियन है इस काजल के बारे में मुझे बताएगा जरूर एंड नेक्स्ट विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज दिसमेटिक का जेल काजल पेंसिल दिस इज देयर मिसमराइज काजल एंड ये एक जेल बेस्ड काजल पेंसिल है ये काफी क्रीमी है अगर आप देखो नायका के मुकाबले भी इसका पिगमेंट कितना ज्यादा इंटेंस डार्क है प्राइस भी डबल है नायका का वन का है ये टू नाइनटी नाइन रुपीज का इज वन मोर ऑप्शन विच इज मेबलिन जेल आई लाइनर ना अगर आपको आई लाइनर लगाने में परफेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है आपको जेल आई लाइनर या ना ब्रश के साथ लाइनर लगाने में देन डेफिनेटली आप ये जेल आई लाइनर जरूर अपने पास रखो इसके साथ आपके डबल बजट हो जाएगी एक तो इसके साथ आप लाइनर लगा सकते हो दूसरा इसके साथ आप इसको एज अ काजल भी यूज कर सकते हो स्मज प्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग है तो एक ही प्रोडक्ट जो कि सेल में आपको साढ़े तीन सौ रुपये में मिल जाएगा तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता डेफिनेटली चेक दिस वन आउट टू द मस्कारा हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड के मस्कारा में आई हैव टू ऑप्शन पहला है स्विस ब्यूटी का लैश लुक

देन स्विस ब्यूटी का रिसेंटली मैंने ये जेल काजल पेंसिल ट्राई किया था जिसमें आपको कलर काजल पेंसिल के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप ब्राइडल किट के लिए कंसिडर कर सकते हो और सबसे ज्यादा रनिंग शेड जो होते हैं वो है ग्रीन एंड डीप ब्लू ये शेड सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये वाला थोड़ा तो सा मटैलिक में है आप देख सकते हो क्रीमी है इजिली अप्लाई हो जाता है बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट को आपको घिसना नहीं पड़ता रबिंग नहीं करनी पड़ती बहुत ही स्मूद एंड जेंटल स्किन के ऊपर यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट टू नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर प्रोडक्ट विच आई वो

एंड ये है ज़ीरो टू जो जीरो टू है उसमें सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बो मिलता है जो जीरो थ्री है वो शैम्पिन गोल्ड कलर है एंड नाउ लूज़ पाउडर में आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ओनली दिस केबी बनाना लूज पाउडर ये मुझे काफ़ी पसंद है अगर आपकी ऑयली स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है आप चाहे आपकी ड्राई स्किन है मैच्योर स्किन है ये एक लूज पाउडर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ना एंड उन्होंने तो फॉल्स आई लैशेज अब चाहे आप ब्राइडल हो या घर से पार्लर चला रहे हो तो फॉल्स आई लैशेज तो अप्लाई करना ही पड़ता है तो फॉल्स आई लैशेज में एक तो मिसक्लेयर ब्रांड के फॉल्स आप चेकआउट कर सकते हो अनदर आप चेकआउट कर सकते हो नायका के लैशेज आइज के लिए ये टर्न अप द ड्रामा वाले लैशेज काफ़ी अच्छे हैं इसमें आपको वॉल्यूम और लेंथ दोनों मिल जाते हैं एंड इट गिवज सी यहाँ पे मैंशन किया हुआ हैल्यूम एंड लेंथ तो हुडेड आइज के लिए आप ये वाला चेक कर सकते हो और इनको मल्टीपल टाइम यूज़ भी कर सकते हैं आप मेरी लैशेज़ को देख सकते हो मैं इनको कम से कम चार से पाँच बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड दे आर स्टिल यूजेबल मैं और और भी इनको तीन चार बार आराम से यूज़ कर सकती हूँ ब्लू अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है बट आई विल सजेस्ट यू मिस क्लेयर का ही आप चेकआउट करना वो आपको अच्छा रहेगा तीन सौ रुपये में मिलेगा एक आई लैश ग्लू के प्राइस में आपको लगेगा हाई ये कितना महंगा है बट लेट मी टेल यू बहुत ही वर्थ है क्योंकि मैंने इन लैशेस के लिए वही ग्लू यूज़ किया था स्टे उसका टिका रहता है इधर उधर से आपकी लैशेस निकलेंगी नहीं अगर

मेल्ट मैट मिनी लिपस्टिक ना ये मिनी लिपस्टिक है ये कुछ टू नाइन्टी सेवन रुप की अमेजोन की सेल से मैंने पिक करी थी शेड है न्यूड अम्बरेला जो मैंने आज लगाया हुआ है न्यूट्रल न्यूड पिंक शेड है इसका स्टे बहुत ही अच्छा है लाइक like, मैंने दुर्गा पूजा वाले टाइम पे इसको ट्राई करा था मैंने इसको अपलाई किया देन वी वेंट फॉर पूजा उसके बाद हम खाना खाने भी गए एंड उस दिन जो खाना था वो कंप्लीट ऑयली फूड था पूड़ी वूढ़ी मैंने खाई एंड उसके बाद आके जब मैंने गाड़ी में अपना लिपस्टिक चेक किया एंड इट वॉज स्टिल देर सो आई कैन सजेस्ट यू थ्री हंड्रेड के रुपीज के प्राइस में आपको ये लिपस्टिक मिल जाएगी इसमें रेड्स और पिंक्स भी हैं तो अगर आप पार्लर के लिए ले रहे हो देन अच्छी लिपस्टिक ऑप्शन है ये चेकआउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट इज वेड एंड वाइट कैटसूट लिपस्टिक दोनों को कंपेयर करूं तो पहले मुझे ये बहुत ही पसंद थी लेकिन जब से मैंने ये ट्राई की है आई एम फाइंडिंग दिस इज मोर कंफर्टेबल देन दिस वन अगेन अंडर रुपीज थ्री हंड्रेड्रेड्रेड्रेड में आपको ये लिपस्टिक मिल जाएंगी शेड रेंज अवेलेबल है लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच ऑफ दिस वन इसका कलर बहुत ही प्रिटी है यहाँ पे स्वॉच करते हैं सी दिस इज द शेड एंड स्टेइंग पावर इसकी भी अच्छी है इसके अलावा आप मेबलिन के Uh, जो कलर सेंसेशन मिली लिपस्टिक पाउचे हैं उनको चेकआउट कर सकते हो नाइनटी नाइन रुपीजी का पाउच है अभी तो कुछ थ्री फिफ्टी रुपीज में अमेजन के ऊपर चार शेड उसके कॉम्बो पैक में मिल रहे थे यू कैन चेकआउट दैट वन मेबी इनकी क्रीमी मैट लिपस्टिक भी आप चेकआउट कर सकते हो कॉम्बो पैक्स अगेन आपको वन फिफ्टी वन सिक्सटी के प्राइस में वो भी अवेलेबल मिल जाएंगी सो अनदर वन मोर प्रोडक्ट आई टू रिकमेंड इज नेल पॉलिश हम अपने मेकअप किट में नेल पॉलिश भी रखते हैं एंड मैंने रिसेंटली काफ़ी नेल पॉलिज ट्राई करे हैं फेसिस कैनेडा के मैंने काफ़ी ज़्यादा नेल पॉलिश मंगवाए थे उसके अलावा मैंने नायका के ट्राई किए एलेटीन

check out Nika nail paints they are really good. सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलगी हो बजट प्राइस में अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड में मेकअप किट कैसे बनाए वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करो और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनकी शादी होने वाली है जो घर से पार्लर चलाते हैं या जो मेकअप सीखना चाहते हैं बजट प्राइस में मेकअप किट कैसे बनाए ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट तो सेक्शन में जरूर बताना मैं आप सबके कॉमेंट्स पढ़ रही हूं अभी ड्यू टू दिवाली एवरीथिंग इज सो है मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बट आई एम रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स सो की राइटिंग कॉमेंट्स एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू Bye.